अब हमें अगर मान लो इमेज बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, कहीं कि चलो ठीक है ये न्यूक्लियर हमारा बैग फाइबर है, तो हाउ वी विल आइडेंटिफाई कि ये डायनेमिक है या स्टैटिक है. लुक, अगर वो डायनेमिक होगा तो उसमें खाली एनुलर स्पायरल एंडिंग्स होंगी, लेकिन अगर वो स्टैटिक होगा तो उसमें एनुलर स्पायरल भी होंगी और फ्लावर स्प्रे एंडिंग्स भी होंगी, यानी कि सेकेंडरी एंडिंग्स भी होंगी. ठीक है, दिस इज़ द मेथड टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन द न्यूक्लियर बैग फाइबर्स. अब स्टैटिक डायनेमिक का मतलब क्या है? स्टैटिक का मतलब है कि स्लो, या तो रेस्ट पे या फिर वेरी स्लोली स्ट्रेचिंग हो रही है, वेरी स्लो. ठीक है, अब अगर वेरी स्लो स्ट्रेचिंग हो रही है तो उसमें हमें रैपिड वाले उसका नर्व फाइबर्स का क्या काम है ना, तो उसके लिए कौन मेनली एक्टिव होगा? टाइप टू फाइबर्स. टाइप टू फाइबर्स माने तो जो किसके साथ में डील कर रहे थे? स्टैटिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स के साथ में और न्यूक्लियर चेन फाइबर्स के साथ में, यानी कि सेकेंडरी नर्व एंडिंग्स. ठीक है, बट अगर मान लो एकदम से मसल कॉन्ट्रैक्शन, एकदम से रैपिड चेंज आया मसल लेंथ में, ओके, तो उस टाइम पे कौन एक्टिव हो जाएगा? डायनेमिक वाले, डायनेमिक न्यूक्लियर बैग फाइबर्स. दे विल कैरी इन्फॉर्मेशन इमीडिएटली वाया 1A फाइबर्स टू द स्पाइनल कॉर्ड, जहाँ पे जाके वो अल्फा और गामा दोनों को एक्टिवेट कर देंगे, मेनली अल्फा को और गामा को भी, सो दैट अल्फा वाले जो हैं वो एक्स्ट्रा फ्यूजल को इनर्वेट करें और गामा वाले एक्स्ट्रा फ्यूजल को. और इस फिनोमेना को हमने क्या कहा था? को एक्टिवेशन, है ना, लास्ट वीडियो में. अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि ये जो 1A फाइबर्स गए हैं इमीडिएटली, ठीक है, स्ट्रेच रिफ्लेक्स आप कह सकते हो, एकदम से रैपिडली मसल स्ट्रेच हुई 1A फाइबर से गए वो, सो दे आर नॉट इंटरेक्टिंग इन बिटवीन विद द इंटर न्यूरोन्स. नॉर्मली क्या होता है कि बीच में इंटर न्यूरोन्स का फंक्शन आ जाता है, लेकिन स्ट्रेच रिफ्लेक्स में जस्ट एक बार ही सिनेप्स हो रहा है. ठीक है, ऑल दो विद अल्फा एंड गामा बोथ, बट हो तो एक बार में ही रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ अ टाइप ऑफ मोनोसाइनेप्टिक रिफ्लेक्स. ओके.